हाँ जी, सो नाउ मैंने सोचा कि अब जो है ना, हम एक जर्नीज के ऊपर एक हम बनाए वीडियोस, तो उसके अंदर मैं ऐसे करूँगा कि मैं जो मुझे मिलते हैं इंटरेस्टिंग लोग, अभी मेरे साथ बैठे हैं मोहसिन साहब, जो इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं उनसे हम पूछें कि भाई हाउ देयर जर्नी हैज़ बीन सो फार। सही है, तो हम ऐसे नहीं करते कि भाई कोई जो कोई बहुत बड़ा ही कोई बिजनेस मैन हो उससे हम मिले, हम उनसे मिलते हैं जो अभी अपनी जर्नी के अंदर है। दैट इज़ द आइडिया बेसिकली। तो अभी मोहसिन है, मैं कोशिश करूँगा बाद में और भी जो मुझे इंटरेस्टिंग लोग नज़र आएंगे उनको भी मैं ज़रूर इसमें व्लॉग में डालूँ। तो अब मोहसिन साहब, आप अपने बारे में बताएं। मैंने स्टार्टिंग में यहाँ से ले लेता हूँ कि मैं और मेरा एक दोस्त था पाकिस्तान में, उसका नाम उमर था, मेरा नेबर था। वो 2011 में ना मलेशिया चला गया, और मेरे भाई हैं बड़े ब्रिटिश सिटीजन है, बरतानिया में रहते थे, अभी पाकिस्तान मूव हो गए। मैंने उनका तरला मिनता बहुत किया कि भाई मुझे भी निकाल दो यार, बैचलर्स की डिग्री मैंने दरमियान में रोक दी। अच्छा। तो फैसलाबाद में ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वहाँ से बैचलर्स अपनी, अभी मेरा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा था, और दरमियान में मेरे वाले साहब भी बीमार हो गए, कैंसर के पेशेंट थे। तो मैंने बहुत कोशिश की दिन रात एक की, मिनतरला किया भाई का कि यार मुझे इंग्लैंड बुला लो, किसी तरीके से इंग्लैंड बुला लो। उस टाइम क्या था कि इंग्लैंड जो ना वो खोता रेडी वाले को भी वीजा बांट रहे थे, ऐसे था। अच्छा। मैट्रिक, जिसने मैट्रिक किया मैट्रिक बेस पे भी भाई वीजे दे रहे थे। अच्छा। तो भाई ने कहा कि नहीं यार, अब्बू भी बीमार हैं और घर में वो कोई मर्द नहीं है, कौन घर में ख्याल करेगा फिर अगर तुम्हें निकाल लिया। मैंने भी तो मैंने ये भी चीज जेन में आया, रातों को चार पाई पे छत पे लेट के सारी रात सितारे गिनने और टाइम ना गुजरना, क्योंकि दरमियान में ये आता था ना कि सारे दोस्त यार बाहर चले गए, मैं अकेला यहाँ पे, अब मेरी यहाँ पे वो मकबरा बनेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान वैसे बनना चाहिए। एक तो ये भी बात है, मैं आपको रोकूंगा मोहसिन साहब, को पाकिस्तान में रहना कोई बुरी बात नहीं है वैसे, एक तरह से देखो सही बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आना चाहिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान में इसलिए लोग नहीं रहते कि ज्यादातर सब बिलोंग करते हैं मिडिल फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है, और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कुछ लोगों की। जितनी करप्शन है पाकिस्तान में, जो निज़ाम ज़िंदगी है, वो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है, हर बंदा ही जानता है। और कोई यहाँ तो ना, हम बहुत लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक रखते हो, फिर तो चलो इशू नहीं है, तो हमारा यूरोप हमारे लिए सर एज ए विजिटर ही हो, हम विजिटर आए और विजिट करके चले जाए। लेकिन क्या था कि हमने ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना था अपने मामला। तो मुझे फिर 2012 के जनवरी के फरवरी में मेरे भाई ने कहा कि यार एक कंट्री है लाटविया, तुम ऐसा करो वहां पे अप्लाई करो। लाटविया में एक चीज मैं आपको बता दूं, सॉरी मोहसिन, मैं आपकी पता खराब कर रहा हूं, सड़कें यहाँ की सबसे गंदी। हाँ, सड़कें ऐसे ही जैसे पिशावर की, जैसे पिशावर की भी ऐसी, पिशावर की भी ऐसी, मुझे नहीं लगता पिशावर की ऐसी, पिशावर तो यार वो है उसका कैपिटल सिटी है। ये कह लो कि आप यूरोप का ना, ये पिशावर है, लाटविया जो ना ये यूरोप का वो इलाका गया रही। मतलब यार इतने झटके इधर होते हैं, और मजे की बात ये रोड के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि ये लॉरियां चल चल के ना, देखो ये रोड जो ना थोड़ा बम्पी हुआ है, इतना बम्पी है कि इतना मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में ऐसे नहीं, इस्लामाबाद में नहीं है। अभी हम रीगा के अंदर ही हैं, हम रीगा से जा रहे हैं, इवन फैसलाबाद मेरी सिटी बड़ी डेवलप हो गई है, रोड हर तरफ नए बन चुके हैं, और ऐसे झटके ये आपको वीडियो ऐसे शेक करेगी कि वाकई झटके लगते हैं। मैं ये सोचता हूँ यार, लोग ज्यादा इससे ना वो नहीं होते, कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं, कुछ नहीं, चलते जा रहे हैं ये लोगों में एक सेंस नहीं है एक्चुअली, इनको ना वो अपने फ्यूचर के बारे में ये लेके नहीं चलते लोग, इनको पता पासपोर्ट है बस निकल जाओ, जर्मनी चले जाओ इंग्लैंड चले जाओ, वहां से जाके बस पैसा कमाओ, इधर आके उड़ा के फिर निकल जाओ वापस। तो मेरी मुलाकात मोहसिन से हुई जब मैं भी मास्टर्स कर रहा था, तो हम लोग जाहिर सी बात है जैसे मोहसिन ने बताया मिडिल क्लास ये लोग हैं, तो मैं जॉब करता था उसमें किबाब शॉप में, किबाब यहाँ पे बोलते हैं जो वो होता है ना शौरमा, शौरमा जिसे हम यहाँ पे किबाब बोलते हैं, लाटविया में लाट, पूरे यूरोप में मेरे ख्याल है, हाँ पूरे यूरोप में बोलते हैं किबाब बोलते हैं, तो किबाब की शॉप पे हम दोनों काम करते हैं। तो मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये होती थी कि सिर्फ मुझे सब्जी काटनी होती थी, बंद गोभी, बंद गोभी सुबह से लेके, मेरी क्लासे होती थी शाम 6 बजे से 9 बजे तक, इवनिंग क्लासेस, और सुबह से मैं जाता था 8:30-9 बजे, और खुलते ही शॉप सबसे पहले वो मेरे हाथ में दे देता था वो अपना गोभी, चाइना गोभी, पाकिस्तान चाइना गोभी होती है वो लंबी वाली जो चाइना वाली, और वो मेरे से कटवा कटवा सारा दिन बैठ के मैं वो काटू। अच्छा, पहली दफा जब मैं गया ना मोहसिन, मेरा हाथ कट गया, उंगली कटी,
तो मैंने उसको बोला यार भाई जान उंगली कट गई, उस वक्त मैं 2-3 घंटे कर चुका था काम। हाँ। मैंने सोचा इसको तरस आके बोलेगा भाई तू जा छुट्टी करा। उसने प्लास्टर दे के मुझे कहता है चल लग जा फिर, ग्लव्स पहनो और फिर से काटने शुरू हो जा। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट लिया। यार अगर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड को बताए ना कि इस मेरे यार ने कोई मेखास है कोई पता नहीं कितने टन गोभी काटी हुई है इसने, तुम्हें वो अपना सर्टिफिकेट जरूर देके जाएगा। अब तो प्रैक्टिस हो गई, तो अब मैं घर में खाना बनाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से उसको, जो मुझे काटने आया क्योंकि वो चक्कर ये होता था, वो जो हमारा जो ओनर था ना उसका वो पाकिस्तानी था, तो वो चेक करता था आगे यार ये इसने बारीक नहीं काटी, तो अब वो जो बारीक नहीं होती थी वो फिर मेरे से दोबारा कटवाता था। और चक्कर ये कि और इससे पता है कि ऐसे हमने सीखा बहुत है, मैं ये समझता हूँ हर पाकिस्तान में हर बंदे को ना, हर टीनेजर को, कोई 2-3 महीने उसको बोलो भाई आप जाके किसी रेस्टोरेंट में छोटे मोटे में या कहीं छोटे किसी बिजनेस में समर वर्क के लिए चले जाओ, क्योंकि उससे बता मुझे हमने सीखा कितना है। सीखा ये तो है उस वक्त का सीखा, अब भी हमारे काम काम आता है। एक सबसे पहली चीज ये समझ आई है कि भाई आपने जो काम करना है तो उसमें बहानेबाजी, जब तक आप सेल्फ मेड नहीं हो ना आप कामयाबी नहीं आपको छू सकती। और सेल्फ मेड आप ऐसे नहीं सेल्फ मेड के आपने सोच रहे हो, जैसे मैं था पाकिस्तान, मैं सोचता था कि यार मैंने तो भाई बीए सिविल इंजीनियरिंग कर ली, अब डायरेक्ट मुझे जो है ना कहीं पे कोई एग्जीक्यूटिव की जॉब मिले, नहीं नहीं ऐसे तो नहीं। और वो होता है कि जो आपको समझ आती है मैंने किस फर्स्ट स्टेप से छोटे छोटे से करके ऊपर जाना, और इवन दो हमें वो बहुत गंदी, मुझे तेरी फर्स्ट जॉब फर्स्ट काम तूने कौन सा किया था उसमें कबाब शॉप? मैंने मेरी यही मैं शुरुआत में मैं भी ये सैलरी काट रहा था, सैलरी काटा मैंने। अच्छा मैं पहले हमारी मुलाकात हुई ओपिशा में, ऐसा ही है हमारी ओपिशा जो ब्रांच है इनकी वहाँ पे मुलाकात हुई है। इससे पहले मेरी यानी कि ना शिफ्ट होती थी मरकिला में और बिरवी बस में। ये नाम ले रहा है गलियों के, ये गलियां यानी कि वहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं, वो तकरीबन 1 किलोमीटर के रेडियस में थी, किसी हिसाब से बंद हो गया थी, वो 3 ब्रांचे थी, वो 1.5 किलोमीटर के रेडियस में 3 ब्रांचे थी। तो हमारा बाई चांस ये हुआ कि ये जो कंबर है ये जॉब करता था, ज्यादातर इसकी होती थी वो ओपिशा एक जो स्ट्रीट है उस ब्रांच में होती थी जॉब, मेरी ज्यादातर होती थी मरकिला ब्रांच में और ब्रीवी बस ब्रांच में। बड़ी शॉप थी बड़ी, वो बड़ी शॉप मतलब मुझे सबसे गंदी जो शॉप थी इसको सबसे छोटी वाली ना एक जो मुर्गियों का डरबा होता ना उसमें दी हुई थी, मोहसिन की बड़ी स्पेस थी मेरी यहाँ पे शॉप बड़ी थी दोनों। तो ये हुआ कि हम 2014 में मिले थे ना, 2014 मार्च अप्रैल में मेरे ख्याल से हम मिले थे, ठीक है। तो भाई मैं आया हूँ 2013 के नवंबर, हाँ नवंबर में मैं आया हूँ, और मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2013 मार्च में, और उसके बाद फैमिली की लुक आफ्टर करो ये करो वो करो करते वाइंड अप करते करते ना मुझे 5-6 महीने गुजर गए, तो फिर मैं निकला वहाँ से। नहीं लेकिन लेकिन ये तो हमने ये एक बात बीच में मिस की हो सकती कि हमने जो वहाँ काम किया ना, हम बहुत शुरू में बहुत रोता, मैं तुम्हें समझो यार हमें आता था कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, 16-17 या 18 यूरो पर डे मिलते थे पर डे, आप पूरे दिन आपके हमें 2 यूरो घंटा के ना 1 यूरो 90 सेंट देता था 1 यूरो ऐसा ही है, और सारा दिन आप कुत्ते की तरह गधों की तरह बल्कि सारा दिन गधों की तरह सही है, और काम करके भी इज्जत को 2 पैसे की भी नहीं, एक जब उसका दिल करे कहे भाई ओए तुमने टॉयलेट क्यों नहीं साफ की। हाँ। अब मैं सारा दिन की सब्जी काट के पहले मरा हुआ खड़ा होता, ओ यार ये टॉयलेट गंदा हो रहा है यार, तुम लोग ये नाम हराम खोर हो, तुम लोग ये नहीं करते, और हालांकि हम स्टूडेंट थे बेसिकली, हम मास्टर के हम पढ़े लिखे लोग थे, जायल टाइप लोग हम कहते थे यार ये क्या मुसीबत में। लेकिन कैंबर क्या था कि यहाँ पे तब ना यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जॉब की, और लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा हमारे लिए ना जो एक मुसीबत थी ना वो लैंग्वेज बैरियर थी, और ये तो मेरे ख्याल से जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है ना ये बोल्ट वगैरह ने, ये 2016-17 में आके मेरे ख्याल से 18 में शुरू किया, GIG बहुत सारे गिग मॉडल शुरू हो गए ऐसा ही, तो आप उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जो है अपना आराम से काम करें। अब तो बहुत अब तो यार यूके वगैरह हर जगह पे GIG ने तो छा गया। तो ये तो इसमें पता क्या, हम एक चीज मैं बताऊं कि उस वक्त हमें बहुत रोना, मुझे तो खैर बहुत रोना आता था यार मैं क्या मास्टर्स कर रहा हूँ इंजीनियर हूँ और मैं यहाँ जो ना सब्जियां काट, और मुझे रोना आता था कि मैं पाकिस्तान में बड़ी ऐशी की जिंदगी जी रहा था। तो फिर मुझे ख्याल आया कि यार वो जो हमने काम किया ना उसने हमें बना दिया, उसने बनाया एक्चुअली हमें, उसने हमें समझे कि जो हमने जिंदगी में अभी तक जो भी काम हम कर रहे हैं वही हमारे अंदर सीख है जो वही। और इस वजह से जब आप अपनी जर्नी शुरू करते हो मास्टर्स वगैरह में कहीं बाहर जाते हो कोशिश करो कि आपको अच्छी जॉब आपको मिल जाए, लेकिन इसमें भी कोई शर्म की बात नहीं, शर्म कोई भी जॉब मिले फॉर द बीइंग स्टार्टिंग किसी से भी स्टार्ट ले लो, एटलीस्ट आपको हाउ नाउ पता चलेगी कि यहाँ पे सर्वाइव कैसे करना है और हमने आगे अपने निजाम को कैसे लेके चलना, और लोगों से मिलोगे। देखो मुझे ये मेरा दोस्त जितने दोस्त मुझे मिले हैं वहीं से मिले, उसके बाद मुझे कोई दोस्त नहीं मिला।
हमें अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर हमें 10 साल हो जाएंगे तकरीबन दूसरे को जानते हुए, और हम मिले वही उसी शॉप। और अब जब मैं याद करता हूँ उस वक्त तो मुझे दुख होता था, जब मैं जाता था मास्टर्स कर रहा था, इवनिंग में पढ़ता था, सुबह में जॉब करता था, और मुझे बहुत अफसोस होता था और लोगों से बताता भी नहीं था, छुपता था कि यार कि मैं, मेरा भी यही हाल था कि सेमेस्टर अपना वो लेक्चर होते थे, वो लेक्चर वीकली मेरे यानी कि कुछ 9-10 लेक्चर होते थे, रोजाना 2-3 होते थे मेरे, और यहाँ से रात को मुझे याद है कि -25, -26, -27 पढ़ता था, और रात को 2-3 बजे फारग हो रहे हैं यहाँ से जनाब, जर्नल क्लीनिंग करके भी। हाँ, वो क्लीनिंग तो, होता है ऐसे जो रेस्टोरेंट जब बंद हो जाता है ना, तो फिर वो दिन भर का सारा कचरा और जो आपने सफाई करनी है, सफाई करनी है। और मुझे याद है जो हमारा